चलें, आपने एक बड़ी अच्छी बात की। मैं ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से और फिर मजहबी तबका जो है उस हवाले से, ये गामदी हो गया, साहिल अतीम, ये बहुत सारे लोग हैं ना, बड़ी तेज़ी के साथ नौजवानों को अपनी लपेट में ले रहे हैं ना। अब उलमा का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना किरदार अदा करें इस हवाले से, मतलब उलमा बात कर भी रहे हैं लेकिन बहुत कम इस हवाले से ना, तो उन्हें काम करना चाहिए क्योंकि अभी फितना है ना। मसलन आपने एक बीज बोया, आज आप कहेंगे कि जी अभी तो बीज बोया है, कोई मसला नहीं है, कल वो छोटा सा पौधा होगा, फिर वो तनावार दरख्त बन जाएगा ना, तो फिर उसको उखेड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फितने का मतलब शुरू ही से उसकी सरकूबी करना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो आपने फरमाया ना कि ये मुलहिद किस्म के लोग हैं, असल में मसला ये है कि हमारी जो आवाम है ना पाकिस्तान की, खसूसन ये पैकेज वाली आवाम है, ठीक है, ये कहते हैं बस हम दो नफल पढ़ें पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाएं, चार रकात पढ़ें जी सारी नमाजें हमारी माफ़ हो जाएं, थोड़ा सा जिक्र कर लिया पसंद की हमें बीवी मिल गई, छोटा सा तावीज़ ले लिया हमारा ये काम हो गया, ये कहते हैं बस पैकेज हो, काम मुख्तसर हो और अजर हमें ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। अब ये जो लोग हैं गामदी वगैरह या साहिल अदीम, ये ऐसे ही लोग हैं, ये इनको सहूलतें देते हैं, ठीक है, मतलब है जी पर्दा नहीं। अब गामदी कहता है कोई पर्दा नहीं है, अब अच्छा जाहिरी बात है वो कहते हैं गाना सुनना बिल्कुल जायज़ है, अब वो गाने की इजाज़त दे रहे हैं तो नौजवान जाहिरी बात है एक तभी मैलान है, और ये जो जहन्नम है इसको हुजिबतिन नारु बिशहवात, जहन्नम को अल्लाह ने शहवतों के साथ ढांप दिया, जहन्नम को अगर वो खोलना चाहे तो नीचे सारी शहवतें, तो शहवत की तरफ इंसान का मैलान होता है, तो ये सहूलतें देते हैं भाई, नमाजों का जी कोई टाइम नहीं है, जिस वक्त मर्जी पढ़ लो, दो दो पढ़ लो, सारी इकट्ठी पढ़ लो, कोई मसला नहीं है, अच्छा सिर्फ फ़र्ज पढ़ लो, सुन्नतें ना पढ़ो, वितर ना पढ़ो, नवाफिल ना पढ़ो, गाने सुनो, औरतें देखो, पैंट शर्ट पहनो, जो कुछ मर्जी, तो इस तरह जब सहूलतें देते हैं तो फिर आवाम उसकी तरफ थोड़ा सा रुख करती है, तो बेदीनी वैसे ही ज़्यादा है, फितने का दौर है, तो ये सहूलियात की वजह से, बाकी उलमाए किराम को इस पर काम करना चाहिए, तो हम भी काम इंशाल्लाह इरादा कर रहे हैं मजीद इस पर के स्पेशल काम किया जाए, एक तो ज़मनन काम है, इस पर स्पेशल काम की जरूरत है, नौजवान तबका है बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं, और जाहिर बात है सहूलत जहाँ पर मिलेगी तो वहाँ पर लोगों ने रुख करना है।